अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम और टेट की। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके हो चुकी है 17 अक्टूबर 2019 की बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2019। जी हाँ दोस्तों, टीईटी की तैयारी जोरों पर, इस बार पर्यवेक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे केंद्र पर मोबाइल, पढ़े टीटी के नए नियम और निर्देश। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपके जो निगरानी लगती है, टीचर जो आपकी देखभाल करते हैं, जो भी कहिए आप लोग, तो वो इस बार भी आपका फोन, वो खुद भी फोन नहीं ले जा पाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी परीक्षा काफी टाइट होने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई जारी, अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी टीचर बनेंगे आगे चलकर, ठीक है, तो दोस्तों सोचिए इतनी लंबी लंबी डेट मिलती तो कल आपकी सुनवाई हुई थी, जैसा कि मैं आपको अपडेट दिया था 16 अक्टूबर को सुनवाई थी, 16 से दोस्तों सीधे ये सुनवाई 22 तारीख तक स्थगित हो गई। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप लोग आगे चलकर टीचर बनेंगे, देखिए दोस्तों ये सब बच्चे वही हैं जिन्होंने आपसे, सीनियर बच्चे हैं जो यूपी टेट पास करके सुपर टेट का पेपर दिया था, तो ये सब अपडेट आपके पास होना जरूरी है कि अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी अच्छी स्तर की करें कि आप कभी इसके लिए दोस्तों मत करिएगा कि हमें दोबारा चांस मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, पहला चांस ही अंतिम चांस होता है, नहीं तो फिर कम से कम 10 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, लंबा टाइम लगता है। देखिए ये वैकेंसी 2018 दिसंबर से शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग को पता चल चुका है कि 2019 अक्टूबर चल रहा है, तो मतलब एक महीने में एक साल कंप्लीट हो जाएगा और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती में। जिन बच्चों को फरवरी में नौकरी पा जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक बच्चे परेशान हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आई, यूपी पीसीएस पीसीएस 2019 एडवर्टाइजमेंट या यूपी पीसीएस 2019 का विज्ञापन हुआ जारी, और इसको दोस्तों देखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अप्लाई करना है यूपी पीसीएस में तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग के लिए एक और अच्छी खबर या बुरी खबर आप समझ सकते हैं कि प्रेरणा ऐप वापस नहीं होगा, जल्द किया जाएगा अनिवार्य, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, स्कूलों में भेजे जा रहे हैं टैबलेट, इसी पर देनी होगी हाजिरी। देखिए दोस्तों, प्रेरणा ऐप ऐसा ऐप है ना जिसके माध्यम से आप लोग रोज अटेंडेंस ऑनलाइन कराएंगे, तो अगर आगे चलकर आप लोग यूपी में टीचर बनेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा प्रेरणा ऐप से। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा यार चलो टीचर बन जाएंगे, कभी जाना नहीं होगा। होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं टीचर्स की, जैसे गांव में जिनकी चलती है नौकरियां, तो वो 5,000 रुपए दोस्तों दे के वहाँ के जो लोकल होते हैं ना, जैसे वहाँ के लोकल टीचर्स होते हैं, उनको 5,000 सैलरी पर अपने रख लेते हैं और कभी नहीं जाते हैं, और अपनी पूरी सैलरी आती है उसमें से 5,000 उनको, बाकी का खुद को। क्योंकि होता क्या कि अगर आपकी बहुत दूर अगर ज्वाइनिंग हो जाती तो अगर आप रोज अप डाउन करेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा पर मंथ आता है। तो इसीलिए दोस्तों जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगा ना, तो उसके बाद कोई टीचर ऐसा नहीं कर पाएगा जो अभी तक आप सोचते थे, या काफी लोगों ने कहते हुए सुना जरूर होगा कि हाँ भाई कोई जाता नहीं, टीचर बन जाओ कोई सही है घर बैठे नौकरी। तो दोस्तों फिर अब तो ये नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों आज की सभी अपडेट तभी के करके देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल पाए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करना तो ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर टीईटी 2019। जी हाँ दोस्तों, केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक भी नहीं रख सकेंगे स्मार्टफोन, पर्यवेक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे केंद्र पर मोबाइल, पूरी खबर देखते हैं दोस्तों। पढ़ाई व परीक्षा में खलल मोबाइल से पड़ रही है, आमतौर पर हर परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं, वजह इम्तिहान के दौरान या बाद में प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की तैयारी, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या टेट 2019 से चल रही है, इम्तिहान के दौरान पर्यवेक्षक को भी स्मार्टफोन परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, वह ऐसा सामान्य मोबाइल ले जा सकेंगे जिसमें कैमरे आदि की सुविधाएं ना हो। तो दोस्तों अब तो हिडन कैमरे वाले फोन ना आने लगे, देखिएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, यूपी टेट में इस बार आवेदन शुल्क 100 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए नोटिफिकेशन ये सब जारी हो रहा है। देखिए दोस्तों, यूपी टेट कराने का जिम्मा यह परीक्षा 22 दिसंबर को होना प्रस्तावित है, इसका साथ ना देश तैयार हो रहा है, तो जल्द ही हो सकता है कि परीक्षा संस्था ने इम्तिहान की सुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मोबाइल पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थी व अन्य स्टाफ मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं पा पाएंगे, नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पर्यवेक्षण का जिम्मा होगा, उनको भी परीक्षा केंद्र पर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी ताकि पेपर लीक पर अंकुश लग सके। परीक्षा संस्था ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा,
में केंद्र के मुख्य गेट की वीडियोग्राफी कराया था। डीएलएड व बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों से करा रहे हैं। तो दोस्तों सच बात तो ये है कि बात तो सही है दोस्तों कि आप आजकल डीएलएड के जो पेपर हो रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सख्ती तो बहुत हो रही है सरकार के द्वारा, लेकिन अब नकल माफिया भी कोई चीज होती है दोस्तों, उनका काम ही है, उनकी रोजी रोटी ऐसे ही चलती है। अगर वो नकल नहीं कराएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है, नकल माफिया या सरकार। देखिए दोस्तों क्या है, श्रुति लेखक के लिए एक दिन पहले ही देनी होगी सूचनाएं। यूपी टेट में यदि यह भी प्रावधान हो रहा है कि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को श्रुति लेखक यानी सहयोगी की जरूरत है तो उसे संबंधित केंद्र पर परीक्षा के एक दिन पहले उसकी सूचना देनी होगी। उसकी शैक्षिक योग्यता व पहचान का प्रमाण पत्र केंद्र पर मुहैया कराना होगा। ऐसे ही उसी दिव्यांग को परीक्षा में अतिरिक्त समय 30 मिनट दिया जाएगा जो तय दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मुहैया कराएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो आपके पर्यवेक्षक को भी स्मार्टफोन न ले जाने का निर्देश जारी किया जाएगा ताकि पेपर लीक की घटनाएं रुक सके। तो दोस्तों क्या ऐसा होता होगा, आपको ऐसा लगता है कि जो वहां पर टीचर रहते हैं वो पेपर लीक कराते? देखिए जब पेपर लीक होने का समय होता है पेपर के पहले, अब पेपर के दौरान अगर पेपर लीक होगा तो फायदा क्या होगा, कोई पेपर दे ही नहीं पाएगा। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आप लोग की ही 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शिक्षक भर्ती आपके सीनियर्स की है, तो इसको जानेंगे दोस्तों तभी आप नई शिक्षक भर्ती 2020 का अंदाजा लगा पाएंगे कि जो आपके लिए आएगी। ठीक है, अगर आप 69,000 से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि शिक्षक भर्ती होता क्या चीज है, खाली आप यूपी टेट और टेट में पड़े रहेंगे। तो पहले दोस्तों बात करते हुए प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई बुधवार को भी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जारी रही। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को दलीलें दी थी। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है। कोर्ट ने दशहरा अवकाश के बाद 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई नियत की थी। साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हतांक सामान्य वर्ग के लिए 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे। इसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और उक्त निर्देश दिए गए थे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यार ये सब हो रहा है आजकल कि आप लोग की जो शिक्षक भर्ती दोस्तों आएगी 2020, तो उसमें भी कुछ ऐसे अड़कने आ सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग के साथ भी क्या होगा ना, आप लोग को भी लालच दिया जाएगा, आपको भी ऑफर दिया जाएगा। देखिए पहले होता क्या है कि जब कोई वैकेंसी आती है दोस्तों, अगर हम पहले से ही पासिंग मार्क निर्धारित कर दें, ये सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, अगर ये गलती होती है तो बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती है। अगर आप पहले से पासिंग मार्क नहीं बताएंगे, जैसे आप बीटीसी डीएलएड या बीएड का पेपर दिए होंगे, ठीक है ना, आप चाहे डीएलएड का पेपर देते हो या बीटीसी, नाम चेंज हो गया थोड़ा बहुत दोस्तों, या आप तो बीएड का पेपर देते हो, तो क्या अगर आपको पहले से पासिंग मार्क ना पता हो, पेपर के बाद अगर आपको पासिंग मार्क कुछ भी रखा जाए तो आप बिल्कुल से यार उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और कोर्ट में तो जाएंगे ही ना दोस्तों। ये बड़ी गलती होती है कि जो कोई पेपर इतना बड़े लेवल का कंडक्ट होता है जिसमें लाखों बच्चे आते हैं, 4 लाख से अधिक बच्चों ने दोस्तों इसमें पेपर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख से अधिक बच्चों ने, तो 4 लाख से दोस्तों अधिक बच्चे जब पेपर में सम्मिलित होते हैं तो यार कुछ तो होना चाहिए दोस्तों। लाखों पैसे दोस्तों इकट्ठे हो रहे हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी देखिए यूपी टेट का फॉर्म जो आ रहा है इस बार 600 रुपए है दोस्तों, ठीक है, चलिए मान लेते हैं एससी एसटी के लिए 400 रुपए और जनरल ओबीसी के लिए 600, तो हम बीच एक मानते हैं 500 रुपए सबके लिए हो गया। और कम से कम दोस्तों ने तो 20 लाख बच्चे इसका फॉर्म देंगे, पेपर देंगे, तो 20 लाख गुणे 500 रुपए कर लीजिए, सोचिए कितना पैसा इकट्ठा होगा, समझ रहे हैं आप लोग दोस्तों। खाली एक पेपर कराने वाली जो संस्था होगी कितना पैसा कमा लेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यार कितना पैसा आता है, होता क्या है, किसी को कुछ नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं यूपीपीसीएस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों इसकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है आपको बता दें पहले, ठीक है, 125 रुपए। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एससी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, एससी और एसटी के बच्चों के लिए जो फीस है ये 65 रुपए की है। देखिए पहले जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए दोस्तों इसकी फीस 125 रुपए, 125, जनरल और ओबीसी कितना है 125 रुपए, ठीक है। देखिए आप बताइए, एक पेपर आपका 125 रुपए में हो जा रहा है और दोस्तों एक आपका ही पेपर है,
यूपी टेट का दोस्तों जो 500 रुपए से मतलब बढ़ा के दाम उसको 600 रुपए किया गया कि मतलब कम पड़ रहे थे पैसे। तो आपके सामने दोस्तों दोनों विज्ञापन आपके सामने दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एससी और एसटी के बच्चों के लिए वही फीस सिर्फ और सिर्फ 65 रुपए दोस्तों आपको देना पड़ेगा, और हैंडीकैप अगर हैं आप दिव्यांग हैं तो मतलब 25 रुपए। तो ठीक है दोस्तों ये सब चीजें हैं, तो पैसा तो कुछ ज्यादा लग नहीं रहा, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने पूरा विज्ञापन, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, तो आता ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता यहाँ पर हो गया, तो बस थोड़ा सा और बच रहा है और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके खत्म करिए। तो दोस्तों इस पर और भी अपडेट कर देंगे, तो फिलहाल आप लोग देखिए तैयारी करते रहिए। सब ग्रुप भी देखिए यहाँ पर पे स्केल्स भी लिखा है, नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, ये सब दोस्तों दे रखा है। अब उसके बाद दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है उस पर बात करें, क्योंकि आप लोग टीचर बनेंगे, अब पीसीएस से आपका कोई मतलब है नहीं, लेकिन दोस्तों काफी बच्चे हो सकता है अप्लाई करें, इसलिए मैं आपको दिखा दिया। ये देखिए प्रेरणा ऐप वापस नहीं होगा, जल्द किया जाएगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों वापस तो होने वाला नहीं है और अनिवार्य भी किया जाएगा। तो क्या थी पूरी खबर पढ़ लेते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रेरणा ऐप को जल्द ही अनिवार्य किया जाएगा, इस पर शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही होगी, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजकीय इंटर कॉलेजों में उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से कायाकल्प योजना शुरू हुई है। सबसे बड़ी शिकायत होती थी कि स्कूलों में बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बच्चों के ड्रेस अच्छे नहीं थे, पंचायत के माध्यम से जर्जर भवनों की जगह अब दीवारों पर रंग बिरंगे शिक्षा प्रद चित्र बन रहे हैं, स्कूलों की दीवारों और फर्श बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है। हमने अवस्थापना और व्यवस्थाओं पर जोर दिया है, अभी सारे स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। प्रदेश के 1,59,000 विद्यालय हैं, जिनमें से 92,000 विद्यालयों को ठीक किया गया, ठीक है दोस्तों। तो बात तो कुछ दोस्तों हद तक यहाँ सही है कि स्कूलों में आजकल आप जाए तो थोड़े बहुत कलर पेंट दिखते हैं, तो चलिए ठीक है ये सब होता रहेगा। लेकिन दोस्तों हमारी मेन बात है कि हमें शिक्षक भर्ती चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। हम दोस्तों वेट कर रहे हैं कि अगली शिक्षक भर्ती 2020 कब आएगी, क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती का दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होता है कि एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए। तो दोस्तों आपका भी एक काम बनता है कि आप लोग इतना अच्छा अगर टीचर्स बन के पढ़ाएंगे तभी आगे चलकर टीचर्स की वैकेंसी आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। क्योंकि दोस्तों जब तक ये रूल फॉलो होगा तभी वैकेंसी, नहीं तो वैकेंसी ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी तो वैकेंसी आपको तुरंत देखने को मिलेगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं देखने को मिलेगी। फ्री में तो पढ़ाई होती है, फ्री में खाना मिलता है बच्चों को सरकारी में, लेकिन कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। रीजन दोस्तों यही होता है कि वहाँ के जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने जाते ही नहीं। अब देखिए टाइम बदल रहा है, पहले कंपटीशन नहीं था, ऐसे ही सबको नौकरी मिल जाती थी पहले, और आज में अंतर क्या है बता दें आपको। आज से कुछ साल पहले दोस्तों अब तो सही बात है पूर्व हो गया, पहले तो पहले होता क्या था दोस्तों, आप लोग यूपी टेट, ठीक है, या दोस्तों सी टेट सिर्फ पास करना होता था। क्या करना होता, सिर्फ आपको पास कर लेना होता था, या सीधे सीधे कहें 82 और 90 नंबर, आरक्षित वर्ग के बच्चे 82 और जनरल के बच्चे 90 नंबर ले आए, उसके बाद आपको दोस्तों नौकरी मिल जाती थी। बस इंटर हाई स्कूल ये सब परसेंटेज जोड़ के बीटीसी ये सब आपको क्या मिलता था, सीधे नौकरी। अब दोस्तों क्या हो गया है, अब पहले यूपी टेट और सी टेट में क्या करना होगा, आपको नंबर लाने पड़ेंगे। जो भी दोस्तों नंबर लाएंगे वो आपके मेरिट सिस्टम में जोड़े जाएंगे, ये नंबर लाएंगे दोस्तों इसका 1/4 ये मेरिट सिस्टम में जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका एक सुपर टेट का पेपर होगा, उसका कितने परसेंट दोस्तों अभी तक 60% लिया जा रहा है, देखिए उसको क्या करते हैं, कैसे उसका क्या मैटर बनता है, वो लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद इंटर हाई स्कूल ये सब जोड़ जाड़ के आपको नौकरी दी जाएगी। तो मतलब कितना लंबा प्रोसीजर हो गया, जहाँ किसी पेपर को आप सिर्फ पास करते थे, आप दोस्तों आपकी कोशिश होगी कि 150 में 150 के करीब कितना पहुंच सकें। जी हाँ दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग 149 तक पहुंचेंगे जरूर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और बताइए कि भाई कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।